हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। आई वेलकम यू टू द बायजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। आज जो सेशन है उसमें हम प्रचंड सवालों के साथ जंग करेंगे, यानी कि 50 ऐसे क्वेश्चंस जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो जिस भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपका अस्तित्व है, आपका एग्जिस्टेंस है, जरा वहां पर बता दीजिए कि हमारी ये क्लास स्टार्ट हो गई है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे इस क्लास को अटेंड करें, ठीक है। तो ताकि जितने ज्यादा व्यूअरशिप हमें मिलती है उसी हिसाब से फिर हम नेक्स्ट जो है सेशन डेवलप करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सबसे पहला सवाल बहुत आसान है, द रिलेटिव डेप्रिवेशन अप्रोच। सब लोगों को पता है, ये जरूर बताइएगा मुझे साथ में कि रिलेटिव डेप्रिवेशन अप्रोच जो है वो दिया किसने था पहली बार। ठीक, सापेक्ष वंचन दृष्टिकोण क्या है ये आपको बताना है, मगर किसने डिस्कस किया है ये भी आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि आसान है सवाल। रिलेटिव डिप्रिवेशन अप्रोच क्या होता है। अभी मैंने आप लोगों को पॉवर्टी पढ़ाया, उसमें मैंने आप लोगों को एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी पढ़ाया था, दूसरा मैंने रिलेटिव पॉवर्टी पढ़ाया था, ठीक है। तो उससे जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट है, यानी अगर आपने उसको भी अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं आसानी से। तो इसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है, ठीक। ऐसे assess the deprivation of a section of population as compared to other, जब हम अपनी दूसरों के साथ तुलना करके अपने आप को वंचित महसूस करते हैं, तुलना करके मतलब हम उतने वंचित नहीं है चीजों से, हमारे पास गाड़ी है, घोड़ा है, कपड़ा है, रहने के लिए घर है, ठीक है, खाने के लिए अच्छा खाना है, हम अफोर्ड कर सकते। लेकिन जब हम देखते हैं कि सामने वाले के पास BMW है तो हम अपने आप को वंचित महसूस करते हैं, हमें लगता है हम सपना देखते हैं, हमें लगता है कि यार काश हमारे पास भी BMW होती। और फिर हम लोगों को कहना शुरू कर देते हैं कि यार बहुत गरीब हूं यार मैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास BMW नहीं है, सामने वाले के पास BMW। सामने वाले भैया पता नहीं क्या करते, कैसे कमाते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन अप्रोच। सबसे पहली बार हर्बर्ट आइमन ने डिस्कस किया इसे रेफरेंस ग्रुप के टर्म में, उसके बाद उसे मॉडिफाई किया सैमुअल स्टॉफर ने, ठीक है। उसके सैमुअल स्टॉफर के बाद रॉबर्ट के मटन आए, उन्होंने भी इसे डिस्कस किया। याद रखिएगा तीनों को। हाँ, आईफोन तो आजकल भैया सभी के पास होने लगा, मेरे पास नहीं है लेकिन हाँ लगभग ऑलमोस्ट सभी के पास आईफोन होता है। क्वेश्चन नंबर टू, हु इज सेड टू हैव प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोक अर्बन कॉन्टिनम। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने लोक नगरीय सात्यता, सिंपल सवाल है यार, लोक नगरीय सात्यता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है, फोक अर्बन कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, बताओ जल्दी, सिंपल सवाल है, जल्दी से आंसर कर दो, 15 सेकंड में आंसर कर दो, बहुत अच्छा रहेगा, हम इसको कट शॉर्ट करेंगे इसका टाइम, ठीक है। चलो तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं, इन विच ईयर द फेज ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर मतलब प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया, किस वर्ष भारत में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना का पहला चरण प्रारंभ किया गया था। आरंभ है प्रचंड, जल्दी से बताइए कब आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था, ये आरंभ किया गया था 1997 को, मैंने पढ़ाया पहला पूछा है ना, मैंने फर्स्ट द वेरी फर्स्ट पहला प्यार, ठीक है, पहला
पहली हर चीज अपने आप में यूनिक होती है ना, पहली गाड़ी, पहला मोबाइल, पहली गर्लफ्रेंड, पहला बॉयफ्रेंड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द प्री कंडीशन टू क्वालिफाई अ सैंपल एज अ रैंडम वन इज, रैंडम सैंपल की डेफिनेशन अगर आप लोगों को याद होगी तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। यादृच्छिक, एक नमूने को यादृच्छिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए कौन सी पूर्व शर्तों का पालन करना होता है, बताइए जल्दी से। सिंपल सवाल है, ठीक है, रैंडम सैंपलिंग से है, सब लोगों को पता है इसका आंसर, ठीक, ग्रेट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन मस्ट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, यानी जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने के लिए समान अवसर देता है रैंडम सैंपलिंग, यही पूर्व अपेक्षा की जाती है, यही जो है अजम्पशन है, ठीक है, प्री कंडीशन है। अच्छा स्टूडेंट, जल्दी से जरा सेशन को एक बार लाइक तो करो, देखें यार कितने जम के लाइक करते हो आप लोग, सेशन को एक बार लाइक करो फटाक से और शेयर कर दो 1000 एक बार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज यूज्ड द टर्म फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज व्हाइल एनालाइजिंग सोशल कंडीशन, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते समय वस्तुओं का प्रतीक अंधभक्ति फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटी पद का प्रयोग किया है, आपका समय शुरू होता है, जल्दी बताइए। जिसने पहले लाइक किया हो दोबारा लाइक मत करना, नहीं तो दोबारा लाइक करोगे तो फिर वो हमारा पहले वाला लाइक जो है वो बदल जाता है, समझ गए। लेकिन शेयर कितने बार भी कर सकते हैं, उसमें कोई कमी मत रखिए। तो कार्ल मार्क्स ने ये टर्म यूज किया था, फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज, ठीक है, क्योंकि अति रूप से हम हर चीज को, मतलब एक इंसान को भी कमोडिटी की तरह समझने लग जाते हैं, बताओ, प्यार प्यार ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, हम ना किसी के हुए ना कोई हमारा रहा, समझ रहे हैं, मतलब हर चीज को वस्तु समझने लग जाते, ठीक। यार हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, मित्रता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, आप नौकर खरीद सकते हैं, दोस्त नहीं खरीद सकते, प्यार नहीं खरीद सकते, बाकी चीजें खरीद सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेस्टिक वायलेंस, बताओ भैया, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है, बताओ, घरेलू हिंसा का रूप नहीं है, बताओ, तो घरेलू हिंसा का रूप एब्डक्शन नहीं है, एब्डक्शन मतलब अपहरण, ठीक है, अपहरण जो है वो घरेलू हिंसा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन देयर इज एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डिफरेंस रेदर देन कंडेमनिंग अदर पीपल्स कल्चर इट इज नोन एज, जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की बजाय हम जो सांस्कृतिक मतभेद होते हैं उसके प्रति आदर की भावना रखते हैं उसे क्या कहते हैं, आदर की भावना रख रहे हैं, हम बोल रहे हैं यार सबके भगवान अच्छे हैं, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि कोई भगवान खराब कोई भगवान बेकार, नहीं, सबके भगवान अच्छे हैं, सबकी संस्कृति अच्छी है, सबको अपने धर्म का पालन करने की इच्छा है, यानी कि सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक, कल्चरल रिलेटिविज्म। एथनोसेंट्रिज्म गलत, गलती से भी नहीं करना आप, ठीक है, हाँ, कल्चरल रिलेटिविज्म है बेटा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 8, हूज व्यू ऑफ पॉल्यूशन एंड प्यूरिटी एज द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ हिंदू सोसाइटी इज रिफ्लेक्टेड इन कास्ट सिस्टम, बताओ जरा, अपवित्रता और पवित्रता का जो सिद्धांत है किसने प्रस्तुत किया है, ठीक है, जल्दी से बताओ, आपको पता ही है सब, याद सिंपल है,
लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही सिंपल पेपर बना दिए। अच्छा स्कोर भैया सब लोग याद रखना अपना, लास्ट में बता देना स्कोर कैसा रहा। और कुछ स्टूडेंट्स 100% स्कोर लाए, ठीक है, क्योंकि आसान सवाल लग रहा है मुझे, प्रचंड सवालों का जंग नहीं है। लुई ड्यूमो, ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रचंड सवाल भी आएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द वर्क द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर, बताओ द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर पुस्तक है, उसका लेखक कौन है, बताइए जल्दी से। लेखक, लेखिका, इंटेलेक्चुअल, ऑथर कौन है? सही है आप लोगों का आंसर, क्लिफोर्ड गीर्स है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर यानी कल्चर को कौन इंटरप्रेट करने का काम करता है, वो है क्लिफोर्ड गीर्स। और ये क्या कहते हैं, कल्चर की डेफिनेशन इन्होंने दी है साइन और सिंबल के रूप में, रिलीजन की भी डेफिनेशन इन्होंने दी है साइन और सिंबल के रूप में, ठीक है, मूड और मोटिवेशन के रूप में रिलीजियस सिंबल्स को उन्होंने बताया है, ठीक। तो एक बार देख लीजिएगा डेफिनेशन क्लिफोर्ड गीर्स की, क्लिफोर्ड गीर्स पे इस बार क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, अभी से मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, नोट कर लो, फिर बाद में बताना कि हां सर आपने कहा था, ठीक। हु सेड, हु इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ स्पेशलिस्ट अप्रोच ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी, सरल सवाल है, सवाल है, नरजाति पद्धति विज्ञान के विशेष उपागम का संस्थापक किसे कहा जाता है, बताओ तो जरा जल्दी से, और कट शॉर्ट करूंगा मैं टाइम, शेयर करो यार, तुम लोग शेयर नहीं करते हो, बहुत कम स्टूडेंट देखते हैं यार हमारे लेक्चर को। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी हरोल्ड गारफिंकल, ठीक, हरोल्ड गारफिंकल, एथनो मेथडोलॉजी। तो एथनो तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक है एथनो, दूसरा है मेथड, तीसरा है लॉजी। एथनो मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, मेथड मतलब होता है प्रक्रियाएं, और लॉजी मतलब होता है टू स्टडी, यानी ह्यूमन बीइंग अपने रोजमर्रा की समस्या को सॉल्व करने के लिए जो प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं उन्हीं के अध्ययन को हरोल्ड गारफिंकल एथनो मेथडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आसान सवाल, आसान जवाब, आसान एक्सप्लेनेशन। द जेंडर रोल रिफर्स टू, लिंग भूमिका संदर्भित किसे करती है, बताइए जेंडर रोल क्या है इसमें, जल्दी से बताओ यार, आसान सवाल है, सब लोग आंसर करो फटाफट से। चलो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द रोल दैट इज गिवन टू अस बाय सोसाइटी, वह भूमिका जो समाज द्वारा हमें प्रदान की गई है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट किमर्टन विच पाथ इज फॉलोड बाय ड्रग एडिक्ट्स, बताओ जो रॉबर्ट किमर्टन के अनुसार जो मादक द्रव्य के व्यसनी बन जाते हैं, व्यसन में लिप्त हो जाते हैं, किस पथ का अनुसरण करते हैं, यानी उन्होंने पांच तरह के बिहेवियर बताए थे ना बेटा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पांचों बिहेवियर, उसमें से एक जो होता है वो डिवियंस नहीं होता है, वो है कन्फर्मिस्ट, बाकी चार तरह के बिहेवियर इन्होंने डिवियंट बताए। अब कौन सा बिहेवियर वो था जिसमें कि ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं लोग, उस बिहेवियर को क्या कहते हैं बताओ तुम, इसका सही आंसर क्या है, रीट्रीटिज्म, ड्रग एडिक्ट्स को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, पश्चगमनवाद, ठीक है याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम अमंग द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हु प्लीडेड फॉर एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू स्टडी सोशल फिनोमिना, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक परिघटना के अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम की पैरवी की है, बताओ जल्दी से, एकीकृत उपागम की पैरवी करने वाले थिंकर कौन है, इंटीग्रेटेड अप्रोच की स्टडी, ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच से स्टडी इंडियन इंडियन सोसाइटी की कौन करते हैं, राधा कमल मुखर्जी, कई बार मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को याद हो गया अच्छी तरह से, है ना, राधा कमल जी, चलो राधा और कमल, गजब। 14, विच वन इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, बताइए पुराना क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का सूचकांक नहीं है, कौन सा नहीं है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जल्दी से इसको 10 सेकंड में निपटाएंगे अपन, ठीक है, ये कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी।
शेल्टर फॉर ऑल, सबके लिए घर मकान बनाना जो था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15, पियर वर्दी थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिव मेक्स यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल बताया था ना, कौन सा उन्होंने नहीं बताया है ये बताना है। पियर वर्दी ने सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य पूंजी की अवधारणा का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनकी अवधारणा का भाग नहीं है ये बता दो जल्दी से, कौन सा उन्होंने नहीं बताया है बताओ। नॉट ए पार्ट ऑफ बताना है बेटा, तो इसका नॉट ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने कभी डिस्कस नहीं किया है बच्चों। ठीक है, पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने कभी डिस्कस किया है क्या? इकोनॉमिक कैपिटल डिस्कस किया, सोशल कैपिटल डिस्कस किया, कल्चरल कैपिटल डिस्कस किया, लेकिन उन्होंने कभी पॉलिटिकल कैपिटल डिस्कस नहीं किया। याद रखना, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक तीनों तरह के कैपिटल डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक में स्किल आ जाता है जो आपके रोजगार स्किल होते हैं, ठीक है, सोशल में जो टेस्ट होता है आपका, रहन सहन का तरीका होता है, ठीक है, कल्चरल कैपिटल मैंने आप लोगों को समझाया ही है, बहुत सारे तरह के कल्चरल कैपिटल्स मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों से। ठीक है, तो उन्होंने कभी पॉलिटिकल कैपिटल की बात नहीं की। क्वेश्चन नंबर 16, द इंट्रोडक्शन ऑफ आशा, आशा कौन है भैया? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ असिस्टेंट फॉर ईच विलेज इन अवर कंट्री वॉज इनिशिएटेड एज अ पार्ट ऑफ वॉट। हमारे देश में प्रत्येक गांव के लिए एक आशा, प्रत्येक सामाजिक स्वास्थ्य सेविका की शुरुआत किस भाग के रूप में की गई थी बताओ। आशा और स्टूडेंट, इसी तरह से अगर आप सोशियोलॉजी को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो क्या करना होगा? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। टेलीग्राम ग्रुप के लिए क्या करना होगा? बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर, सर्च कर लीजिए अभी और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए पक्के से, क्योंकि उस पे मैं वेनसडे से लेकर के सैटरडे तक लगातार फ्री क्लास लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए, और विश्वास मानिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस वो हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं और आने वाले समय में पूरी सोशियोलॉजी का रिविजन कराने वाला हूं। उसके लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा? बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप को डाउनलोड करना होगा। जो ये आप YouTube चैनल देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पूरे एग्जाम तक मैं आप लोगों को, मैं कोशिश कर रहा हूं कि पूरे 10 की 10 यूनिट फ्री में रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। हेबरमास एनालाइज्ड क्राइसिस इन 4 टाइप्स ऑफ सोसाइटी। हेबरमास ने समाज के 4 प्रकारों में संकट का विश्लेषण किया है, कौन सा उन्होंने नहीं किया है ये बताओ, कौन सा उन्होंने डिस्कस नहीं किया है। हेबरमास, तो इन्होंने कभी फ्यूडल सोसाइटी नहीं डिस्कस किया है। ठीक है, याद रख लो। ठीक है, प्रिमिटिव कैपिटलिस्ट, पोस्ट कैपिटलिस्ट इन्होंने डिस्कस किया है, फ्यूडल नहीं डिस्कस किया है, ट्रेडिशनल इन्होंने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज सेड दैट द फंक्शन ऑफ रिलीजियस रिचुअल इज टू अफर्म मॉरल सुपीरियरिटी ऑफ द सोसाइटी ओवर इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स। किसने कहा है कि धार्मिक अनुष्ठानों का कार्य समाज के व्यक्तिगत सदस्यों पर नैतिक श्रेष्ठता की पुष्टि करना होता है बताइए।
आसान है सवाल, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इमाइल दर्खाइम ने कहा था। ठीक है, बिल्कुल रट चुका है आप लोगों को, जितने लोग हमारा वीडियो देखते हैं उनको रट गए हैं सारे क्वेश्चन। विच डायमेंशन ऑफ सेकुलरिज्म स्टेटेड बाय टी एन मदान इज नॉट ट्रू। ठीक, टी एन मदान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता का कौन सा आयाम सही नहीं है, बताइए कौन सा आयाम उन्होंने नहीं बताया। जल्दी से बताइए इसका आंसर, 19th का फटाफट से, 19th का सही आंसर है ऑप्शन बी, पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ सम कम्युनिटीज बाय स्टेट। देखिए कॉमन सेंस से भी अगर आप कर देते ना तो भी ये सही हो जाता, इसके लिए टीएन मदान की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप खुद ही सही कर सकते थे। ठीक, तो पार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ सम कम्युनिटीज बाय द स्टेट, मतलब स्टेट अगर किसी कम्युनिटी को के साथ बायस्ड रह करके उसे फायदा पहुंचाने का कोशिश करेगा, चाहे वो पार्शियली चाहे वो फुली, तो वो सेकुलर स्टेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, बताओ तो जरा जल्दी से। पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जल्दी बताओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उन लोगों को भी शक्ति प्रदान करो ना, शक्ति का विकेंद्रीकरण ही तो है। ठीक है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज रिफ्यूटेड द मेलिनोस्की आइडिया ऑफ फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल अल्टरनेटिव्स, निम्नलिखित में से किसने मेलिनोस्की की प्रकार्यात्मक अनिवार्यता के विचार का खंडन किया और फिर प्रकार्यात्मक विकल्प को प्रस्तुत किया है। मेलिनोस्की कहते थे कि समाज में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो विशेष संस्थाएं ही काम करती हैं, उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। जैसे कि ये कहते हैं कि समाजीकरण का काम सिर्फ फैमिली करती है, फैमिली के अलावा और कोई नहीं कर सकता, लेकिन रॉबर्ट के मर्टन ने बोला। चलिए तो इसका सही आंसर क्या था, आर के मर्टन। तो रॉबर्ट के मर्टन क्या कहते हैं, रॉबर्ट के मर्टन कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कोई भी कार्य जो है वो उसका अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट आ जाता है। जैसे जब हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम करने लग गए, ठीक, तो फिर क्रेच बन गए, प्ले स्कूल्स बन गए, यानी क्या होता है, अल्टरनेटिव सोसाइटी अपने आप प्रस्तुत करने लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए, अ मेथड इन विच द रिकलेक्शन ऑफ लिविंग पर्सन, देखिए रिकलेक्शन ऑफ लिविंग पर्सन आर कलेक्टेड फॉर द प्रेजेंट एंड द आर्काइव इज कॉल्ड एज, वह विधि जिसमें जीवित व्यक्तियों की संस्मृति वर्तमान तथा पुरालेख के लिए संग्रहित की जाती है। जैसे अभी मोदी जी है ना, मोदी जी के बारे में भी रिकलेक्शन चल रहा होगा, लिविंग पर्सन है वो, तो भाई उसको क्या कहते हैं, इसका सही आंसर है ओरल हिस्ट्री। ठीक, मौखिक व्रत। चलो क्वेश्चन नंबर 23, हु सेड दैट सोशियोलॉजी इज एनालोगस टू ऑर्गेनिज्म, समाज सावयव के समान है, यह कथन किसका था, बताइए। सावयव, देखो आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो यार, शेयर कर दो एक बार, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाओ यार, तभी तो मजा आएगा। ये कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने, याद है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इन डिटरमाइनिंग डोमिनेंट कास्ट एम एन श्रीनिवास हैज नॉट इंक्लूडेड, देखो नॉट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग, एम एन श्रीनिवास ने प्रभुत्व जाति के निर्धारण में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया, याद रखना जो उन्होंने
डोमिनेंट कास्ट के जो बताए हैं कि ये तत्व के कारण ही डोमिनेंट कास्ट कहलाएगा, वो याद रखना ठीक है। तो इसका सही आंसर है, उन्होंने कभी भी लिंग्विस्टिक डोमिनेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है प्रभुत्व जाति के बारे में बताते हुए, ठीक है। रिचुअल स्टेटस हाई होना चाहिए उन्होंने कहा था, इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होना चाहिए उन्होंने कहा, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए उन्होंने कहा, अनुष्ठानिक परिस्थिति होनी चाहिए उन्होंने कहा, आर्थिक परिस्थिति होना चाहिए उन्होंने कहा, संख्या बल उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कभी भाषाई प्रधानता पे जोर नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 25, फोको डज नॉट सब्सक्राइब टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फोको निम्नलिखित कथनों में से किसका समर्थन नहीं करते हैं? देखिए, फोको नॉलेज को पावर और पावर को नॉलेज मानते हैं। वो कहते हैं पावर ही नॉलेज है और नॉलेज ही पावर है, ठीक है। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा फोको ने नहीं माना है वो बता दो जरा, ठीक। तो बिल्कुल सही है आप लोग, ऑप्शन डी। इन्होंने कभी नहीं कहा कि पावर इज प्योरली कोर्स, सत्ता विशुद्ध रूप से दमनकारी है, ये कभी नहीं कहते हैं। ये कहते हैं पावर इज डिफ्यूज्ड इन अ सोसाइटी, यस। पावर इज परवेसिव, पावर इज एम्बॉडीड इन रिजीम, यस। सत्ता विरासत विसरित है, सत्ता व्यापक है और सत्ता शासन व्यवस्था की अभिव्यक्ति है, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि सत्ता दमनकारी हो सकती है, ठीक। तो हु सब्सक्राइब टू द व्यू दैट एलिनेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑप्रेसिव सोशल स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि अलगाव दमनकारी सामाजिक संरचना का परिणाम है? बताइए, अलगाव दमनकारी संरचना का परिणाम है, ये कौन कहते हैं? सबको पता है, ठीक। ऑप्शन बी काल मार्क्स, काल मार्क्स कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, Which of the following concept given below refers to material culture changing faster than non-material culture? और ये भी बताना, कितने किसी को अगर नहीं मालूम है ना ये concept तो मुझसे पूछ लेगा। नीचे दी गई अवधारणाओं में से कौन इसको संदर्भित करती है कि गैर भौतिकी संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति जल्दी परिवर्तित होती है? अगर कोई नया स्टूडेंट है, नहीं पता है, तो ये कॉन्सेप्ट मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी कमेंट बॉक्स में आंसर के साथ बता देना कि मुझे नहीं आता, तो मैं बता दूंगा। हालांकि मेरे सारे स्टूडेंट्स को आता होगा ये। इसका सही आंसर है कल्चरल लैग, ठीक है, सांस्कृतिक अंतराल। डब्ल्यू एफ ऑकबर्न कहते हैं कि मटेरियल कल्चर जो होता है वो हमेशा इंसान से, इन जो नॉन मटेरियल कल्चर होता है उससे आगे रहता है, ठीक है। चलो, सबको पता है इसका आंसर। द बुक द डेथ ऑफ द फैमिली इज रिटन बाय, द डेथ ऑफ द फैमिली किसके द्वारा लिखी गई है? जो इसके थिंकर है ना, जिन्होंने ये किताब लिखी है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण फैमिली की डेथ हो जाती है, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में फैमिली की डेथ हो जाती है, क्योंकि जो फैमिली के नॉर्म्स एंड वैल्यूज होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में लोग अपने घर बार छोड़ करके दूर चले जाते हैं, अपने घर से दूर रहने लग जाते हैं। तो ये डेविड कूपर है, ठीक। डेविड कूपर कहते हैं कि फैमिली की डेथ हो जाती है, ठीक है। चलो 29, when one variable is quantitative and qualitative and another variable is quantitative, दो तरह के वेरिएबल हैं, एक क्वालिटेटिव है, दूसरा क्वांटिटेटिव, which measure will be used for finding covariation between them? जब एक चर गुणात्मक है, दूसरा चर मात्रात्मक है, तो उनके बीच सह परिवर्तन ज्ञात करने के लिए कौन सा उपयोग, कौन सा प्रयोग किया जाएगा, बताइए। सबको पता है, ग्रेट, बिल्कुल सही, रट लो इसको। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में जब हम लोग मेजर करते हैं रिलेशनशिप, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? काई स्क्वायर, ठीक है, या ची स्क्वायर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अर्थमेटिक मीन? निम्नलिखित में से कौन अंकगणितीय मध्य के बारे में सत्य है? अंकगणितीय मध्य यानी मीन की बात हो रही है, यानी नाम लूंगा तो फिर आंसर पता लग जाए। ठीक है, 30 पे आ जाओ। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, एवरेज। ठीक, यानी अगर हमें निकालना है 1, 2, 3, 4, 5 इसका एवरेज अगर निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 / 5 है ना, 5 है वैल्यू है ये, 1, 2, 3, 4, 5 तो कर लेना आप अपने हिसाब से, 3 × 3 = 6, 4 × 10 = 5, 15 3/5। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस थ्योरी? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यवस्था विश्लेषण का सिद्धांत का भाग नहीं है? बताओ, सबको पता हो गया होगा, रट गया होगा सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, मैंने बताया ना कि विश्व को 3 भाग में विभाजित कर देता है वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस। ठीक, एक रिच और एक एकदम पुअर और एक उन दोनों के बीच का, उसे क्या नाम से पुकारा जाता है? कौन सा इसमें जो है नॉट वन ऑफ द पार्ट? ठीक है, तो ये वर्ल्ड क्लास सिटी जो है इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस। तो जो रिच क्लास होती है, रिच कंट्री, उसे हम क्या कहते हैं? कोर। ठीक है, जो पुअर होता है एकदम, उसे हम क्या कहते हैं? पेरिफेरी। यानी ये हो गया केंद्र और ये हो गया परिधि। और ये जो बीच का होता है इन दोनों के, जहां पे रिच और पुअर दोनों होते हैं, इसे क्या कहते हैं? सेमी, सेमी पेरिफेरी और अर्ध परिधि। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32। द 73rd अमेंडमेंट किससे संबंधित है? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has brought about reservation for which of the following? और किससे संबंधित है ये भी बता देना। भारतीय संविधान में 73rd संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है? बताइए। यस, बिल्कुल सही है आप लोग, गुड। इसका आंसर है, देखो बोथ ए एंड बी, वेमेन और एससी एसटी दोनों, किससे संबंधित है ये नहीं बताओगे। क्वेश्चन नंबर 33, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, विच इज द टर्म यूज बाय गिडिंग्स फॉर कंपेरेटिव क्राइसिस, कॉन्टेम्पररी क्राइसिस, सॉरी कॉन्टेम्पररी क्राइसिस? गिडिंग्स के अनुसार समकालीन संकट के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? बताइए, कॉन्टेम्पररी क्राइसिस को गिडेंस ने क्या कहा? जल्दी से बताओ। प्रचंड सवालों के साथ जंग, बताओ कॉन्टेम्पररी क्राइसिस को गिडेंस क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चर्ड अनसर्टेनिटीज और मैन्युफैक्चर्ड रिस्क, विनिर्मित अनिश्चितताएं या विनिर्मित खतरे? ठीक है, इन्होंने कहा था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल एक्शन टू अंडरस्टैंड सोशल लाइफ? निम्नलिखित में से किसने सामाजिक जीवन को समझने के लिए सामाजिक क्रियाओं का 4 भाग में वर्गीकरण विकसित किया है? आसान है,
सही है आप लोगों का आंसर, वेरी गुड, मैक्स वेबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। हु हैज ऑब्जर्व दैट द यूनिटी ऑफ इंडिया इज इसेंशियली अ रिलीजियस वन। यह टिप्पणी किसने की है कि भारत की एकता अनिवार्य रूप से धार्मिक एकता है, बताओ, रिलीजियस वन। कौन कहता है कि यूनिटी ऑफ इंडिया इज इसेंशियली अ रिलीजियस वन? सबको पता है इसका आंसर? आपके यहां पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, ग्रेट। तो इसका सही आंसर है M.N. श्रीनिवास, लेकिन अभी मौसम थोड़ा ठीक हो गया है, मेरा गला खराब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 36। हु हैज इनिशिएटेड द मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट? निम्नलिखित में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप में के संदर्भ में उत्पादन रीति की बहस, उत्पादन की प्रणाली की बहस की शुरुआत की थी, बताइए। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया? उत्सव पटनायक, इन्होंने डिबेट की शुरुआत की थी और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन किया है ना, बहुत मतलब डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट। चलो क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट काइंड ऑफ सुसाइड रिजल्ट्स व्हेन सोसाइटी फेल्स टू मेंटेन ऑर्डर? समाज जब समाज व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो जाता है तो जब लोग आत्महत्या करने लग जाते हैं उसे किस प्रकार की आत्महत्या कहते हैं, बता दो जरा। समाज की विफलता के कारण समाज मतलब जया, ये आपके लिए प्रचंड सवाल नहीं हुए है कि नहीं? मैं लाता हूं प्रचंड सवाल इस सैटरडे को, ठीक है। एनोमिक, नॉर्मलेसनेस कहते हैं इसे, ऑर्डरलेसनेस या नॉर्मलेसनेस, ठीक है, अनियत। तो इसे व्यवस्थाहीन के हीनता के कारण, या मानदंडहीनता के कारण, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 38। द फर्स्ट साइंटिफिक रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया वॉज अटेम्प्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला वैज्ञानिक प्रजातीय वर्गीकरण प्रयास किया? देखो मैंने आप लोगों को वो कास्ट का ओरिजिन ऑफ कास्ट पढ़ाया था, ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था रेशियल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट, ठीक है, वही थिंकर है, ठीक, ऐसे किया जाता है सवाल, समझ गए? तो कौन है? हर्बर्ट राइजले, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और मैंने आप लोगों को यह बताया था कि ये राइजले को ना रेसले पढ़ो, ठीक है, रेसले। रेसले नस्लवादी, रेस मतलब होता है नस्ल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाइए कंप्यूटर जी। अ पर्सन इज अ डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स, प्रिस्क्राइबिंग डाइट्स, लुकिंग आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन बाय कंपाउंडर, क्लीनलीनेस ऑफ क्लिनिक एटसेट्रा, दीज एक्टिविटीज ऑफ द डॉक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स, बताइए। एक व्यक्ति डॉक्टर है, वह अपने मरीजों का उपचार करता है, उन्हें आहार बताता है, कंपाउंडर द्वारा दवाइयों का के वितरण तथा क्लिनिक की सफाई का काम इत्यादि देखता है। तो डॉक्टर की ये प्रक्रियाएं जो होती हैं क्या कहलाती हैं, किसको परिभाषित करती हैं, बताइए। कौन है वो? जल्दी से
इसका सही आंसर क्या है? रोल सेट। ये अपने रोल निभा रहा है, एक ही स्टेटस से जुड़े हुए सारे रोल हैं इसके, है ना। एक स्टेटस है डॉक्टर, फिर ये अपने पेशेंट को देख रहा है, ये अपने क्लिनिक को देख रहा है, ठीक है, ये कंपाउंडर को देख रहा है, तो ये सब एक ही स्टेटस से जुड़े हुए, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? सेट। कौन सा सेट है? रोल। समझ गए? भूमिकाओं का सेट, समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 40। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन वेबर्स आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, चलो बताओ। वेबर के अनुसार नौकरशाही का आदर्श प्रारूप सन्निहित नहीं है। चलो सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे इसमें। ठीक है, पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो वेबर ने नहीं लिया था, राजनीतिक निर्णय उन्होंने नहीं डिस्कस किया अपने ब्यूरोक्रेसी के डेफिनेशन। जॉर्ज रिट्जर रिफर्स टू अडॉप्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्डिज्म इन फूड इंडस्ट्री, पढ़ाया है मैंने। जॉर्ज रिट्जर इसे खाद्य उद्योग में फोर्डिज्म की विशेषता को स्वीकार करने के रूप में संदर्भित करते हैं। बताइए क्या है वो फोर्डिज्म? फोर्डिज्म क्या कहते हैं ये? जॉर्ज रिट्जर, बताएं। आंसर है मैकडोनाल्डिज्म को फोर्डिज्म कहते हैं ये, ठीक है, मैकडोनाल्डवाद। क्वेश्चन नंबर 42। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी मींस, गरीबी के स्त्रीकरण का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए। गरीबी के स्त्रीकरण का अर्थ क्या होता है? फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी क्या होता है? इसका सही आंसर है विमेन। इन विमेन्स इंक्रीज्ड चांस ऑफ बीइंग इन पॉवर्टी ड्यू टू लो पे एंड ग्रेटर वेलफेयर डिपेंडेंसी। कम तनख्वाह और अधिक कल्याणकारी निर्भरता के कारण महिलाओं के गरीब होने की संभावना अधिक रहती है, उसे फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाइए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्राइम कस्टम इन सेवेज सोसाइटी? बताइए, क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी के लेखक कौन है? और बुक्स के जो सवाल हैं वो कभी भी गलत नहीं होने चाहिए मेरे स्टूडेंट्स के, क्योंकि मैं बुक्स रटा देता हूं आप लोगों, है कि नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बी, मेलिनोस्की। ग्रेट, 5 बजे आज क्लास होगी, याद है ना। हु हैज स्टेटेड दैट रोल इज अ डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस? सिंपल सवाल है, किसने कहा था कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू होता है? चलिए, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा? बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर, एग्जैक्टली ये लिखिएगा तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, बहुत फायदा होगा। इसका सही आंसर क्या है? आर लिंटन, सी आर लिंटन, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45। विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैज डिस्प्लेस्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन इंडिया? किस प्रकार के विकास ने भारत में अधिकतम संख्या के में व्यक्तियों को विस्थापित करने का काम किया है? इसके डेवलपमेंट के कारण लोगों को विस्थापित होना पड़ा भारत के अंदर। और एक बात और याद रखिएगा, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 बजे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर फ्री क्लासेस में लेकर के आता हूं, उसमें मैं पूरे सोशियोलॉजी का भी रिवीजन कराने वाला हूं। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अटेंड कीजिए उस क्लास को, बहुत फायदा होगा। ऑप्शन बी डैम,
डैम के डेवलपमेंट से हमारे यहां लोगों को विस्थापित होना पड़ा, गांव के गांव उजड़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट, निम्नलिखित में से कौन एक सांख्यिकीय इकाई की विशेषता नहीं है, बताइए। सांख्यिकीय इकाई की विशेषता नहीं है, सिंपल है, स्टैटिस्टिक्स की विशेषता कौन सा नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सांख्यिकी की विशेषता कौन सा नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्टनेस, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी होती है उसमें, उसमें कॉन्क्रीटनेस होती है, अमूर्तता नहीं होती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 47, हु वॉज कंसर्न इन हिज मेथोडोलॉजी विद द वे इन विच पीपल ग्रास्प द कॉन्सियसनेस ऑफ अदर्स, दूसरा बंदा किस तरह से महसूस करता है, उसी को कहते हैं फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपीरियंस, फर्स्ट पर्सन कॉन्सियसनेस। व्हाइल दे लिव विद इन देयर ओन स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस, किसका अपनी पद्धति में, जिस तरह से लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं, तब वे चेतना की अपनी ही धारा में रहते, मतलब हम अपने कॉन्सियस में रहते हैं लेकिन दूसरे को कैसा फील हो रहा है, दूसरा कैसा फील कर रहा है, उसको अपने चेतना के द्वारा महसूस करने की कोशिश करते हैं, उसे क्या कहा जाता है और किसने वो अवधारणा दी है, तो उसे अल्फ्रेड सुज ने इस तरह से फिनोमिनोलॉजी को डिफाइन किया है, याद रखिएगा, फिनोमिनोलॉजी, अल्फ्रेड सुज। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज रिसर्च डिजाइन, शोध अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन क्या होता है, बताइए। What is research design? शोध अभिकल्प क्या होता है? कई बार ये वर्ड जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्या करते हैं रिसर्च डिजाइन में? रिसर्च डिजाइन क्या है? एक फ्रेमवर्क है इस क्या करने के लिए, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों की रूपरेखा, ठीक है, रूपरेखा होता है रिसर्च डिजाइन। तो याद रखना, कई बार सवाल घुमा फिरा कैसे पूछ लेगा, 1, 2, 3 भैया इन तीन चीजों से संबंधित है, 1, 2, 3 पूछ लेगा भैया किससे संबंधित नहीं है रिसर्च डिजाइन, समझ गया, चौथा कुछ और डाल देगा। क्वेश्चन नंबर 49, स्टडी डिजाइन इन्वॉल्विंग कलेक्शन ऑफ डेटा एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज, एक विशेष समय पर डेटा संग्रह को शामिल करने वाली एक अध्ययन डिजाइन, अध्ययन को निम्न रूपों में जाना जाता है, देखिए बता रहा हूं, जैसे कृषि व्यवस्था में इंप्लॉयमेंट बढ़ती और घटती रहती है समय के अनुसार, तो जैसे हम जानना चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑन एन एवरेज कृषि व्यवस्था में कैसे, तो हमें गर्मी में अलग डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सर्दी में अलग डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, समर सीजन में, विंटर सीजन में, ठीक है, और रेनफॉल सीजन में, ठीक, इस तरह से हमें तीनों सीजन में अलग अलग डेटा कलेक्ट करना होता है, ठीक, उस तरह के स्टडी को हम लोग क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं, पार अनुभागीय अध्ययन कहते हैं उसे, ठीक है। आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन अ स्लम इज इनहैबिटेड लार्जली और एक्सक्लूसिवली बाय पर्सन ऑफ सिंगल एथनिक और रिलीजियस ग्रुप इज कॉल्ड एज, जब किसी मलिन बस्ती में मुख्यतः अनन्य रूप से एक निर्जाति या प्रजाति समूह के लोग रहते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, बताओ क्या कहते हैं उसे, और जल्दी से अपना स्कोर भी बता दो सब लोग, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट सवाल, ऐसा कैसे स्नेहा, इतने आसान सवाल थे, इसे क्या कहते हैं, घेटो, इसे गिल्ड भी कहते हैं, इसे एथनिक कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है, चलो झुग्गी झोपड़ी, घेटो, ठीक, गिल्ड भी कह सकते हैं इसे, एथनिक कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं इसे,
चलो अब जरा जल्दी से अपना अपना स्कोर बता दो फटाफट से। जया के 43 आए हैं, काजल के 42 आए हैं, अंचल के 45, कमल के 46, गार्गी 48, दीपमाला 46, राजलक्ष्मी 47, सेनिया 42, प्रीति 50, काजल 42, तंजीला 40, साक्षी 46, कृष्णा 39, राजलक्ष्मी 47, 47 निधि, 48 मानसी, किरण 49, 50 वाल सिंह 54। क्या है बहुत जल्दी जल्दी सब लोग बता रहे हैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अंचल 45, प्रीति 46, वीर प्रताप 48, वेरी गुड। ठीक है, कृष्णा 39, बहुत कम है बेटा, मेहनत करो। निधि 47, दो क्वेश्चन नहीं देखे। बिंती 49, माय गॉड। आदि 43, वाल सिंह के 44, श्रद्धा 45, हिंदू 48, संध्या 46, विराट 45, सोनी 40, राजलक्ष्मी 47, जय 50। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि सब लोगों के 40 के ऊपर हैं। ठीक, नेक्स्ट टाइम रियल में आप लोगों को प्रचंड सवाल देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, भूमि 39 बेटा कम है थोड़ा। ओके विनीता, गुड, ओके, चलिए, बाय बाय, थैंक यू जया, थैंक यू वेरी मच, चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं शाम को 5 बजे वाली क्लास में। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट।